नमस्ते। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्रांजिट ऑफ राहु, जो राहु और केतु है, दे आर चेंजिंग साइंस एंड वो जो है दे वुड बी मूविंग फ्रॉम, अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु वुड बी मूविंग आउट ऑफ मेष राशि एंड वुड बी कमिंग इनटू मीन राशि, और इसी प्रकार जो केतु है वो तुला से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, वैसे मैं जनरली ट्रांजिट्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूं, बट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के, मेरे स्टूडेंट्स के मेरे को व्हाट्सएप आ रहे थे और इस ट्रांजिट के बारे में लोग समझना चाह रहे थे कि ये डिफरेंट साइंस के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है। तो देखिए, जो ट्रांजिट्स होते हैं, पहले तो हमें ये बात समझनी है, वो ही रिजल्ट्स डिलीवर कर पाते हैं जो कि कुंडली में प्रॉमिस्ड होता है। अपने आप से ट्रांजिट जो है वो नेटल चार्ट में रिजल्ट नहीं देता है, वो वही देगा जो आपके चार्ट में प्रॉमिस्ड है। They basically act like celestial delivery boys या courier boys की बात करूं कि जो आपके चार्ट में promised है उसी को ही वो deliver करता है आपको। और अगर मैं राहु की स्पेसिफिकली बात करूं तो राहु का जो ट्रांजिट है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। इनफैक्ट वो जिस घर के ऊपर आता है वहां से रिलेटेड इवेंट्स जो है वो ट्रिगर होते हैं, वो अच्छे होंगे बुरे होंगे इसको देखने के लिए आपको दशा को देखना पड़ेगा। वैसे तो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे थे कि मैं डिफरेंट लग्नास पे वीडियो बनाऊं, बट मैंने ये सोचा कि मैं कुछ अपने इनपुट्स जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ट्रांजिट्स के बारे में वो शेयर करूंगा, और उसी के बेस पे आप लोग डिफरेंट लग्नास पे या मून साइन पे लगा के उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रांजिट है ये 30th अक्टूबर को हैपन हो रहा है, कि जब राहु जो है वो मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और केतु जो है वो तुला से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब अगर हम ट्रांजिट के प्रिंसिपल्स की बात करें गोचर के, तो अगर हम फल दीपिका की बात करें तो मंतेश्वर ने वहां पे राहु और केतु जो है उसको सेम रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो सूर्य को दिए हुए हैं, यानी कि जितने हमारे उच्च स्थान है यानी तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां, इन घरों में मंतेश्वर ने राहु और केतु दोनों के रिजल्ट्स पॉजिटिव बताए हुए हैं और बाकी घरों में इसके रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव बताए हुए हैं। तो इस प्रिंसिपल पे अगर आप चलेंगे तो आपके चार्ट में राहु अगर तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें स्थान में आ रहा है तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। सिमिलरली केतु भी अगर इन घरों में आ रहा है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो दोनों में से एक ही हमेशा पॉजिटिव हो पाता है, दोनों एक साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, बिकॉज दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 डिग्री सामने सामने रहते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो राहु वृषभ लग्न के लिए ग्यारहवें स्थान में आ जाएगा तो राहु वहां पे फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन केतु वहां पे पंचम स्थान में जा रहा है तो वो वहां उस प्रिंसिपल के हिसाब से अनफेवरेबल हो रहा है। अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें फॉर वृषभ लग्न तो राहु 12th में है और केतु 6th में है, तो केतु इज फेवरेबल फॉर देम बट राहु इज नॉट फेवरेबल। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सिर्फ इन चार घरों में राहु और केतु अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, बाकी घरों में नहीं देंगे। बट जो चीज हमने इन प्रैक्टिस देखी है वो इस प्रकार वर्क नहीं करती है। ट्रांजिट जो है वो इंडिकेट करते हैं उस घर से रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल राहु आपके 12th में है तो जरूरी नहीं है वो आपका खर्चा ज्यादा कराएगा। मतलब देखिए 12th हाउस में कहते हैं कि राहु प्लेस्ड होगा तो
मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो यूजलेस चीजों पे बढ़ जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। यस डेफिनेटली आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन वही राहु ट्वेल्थ में बैठ के आपको विदेश यात्रा दे सकता है, पिलग्रिमेजेस भी दे सकता है, बिकॉज जो ट्वेल्थ हाउस है वो नाइन्थ से फोर्थ हाउस है। तो इस प्रकार से हम हमेशा देख सकते हैं कि राहु और केतु किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। अब राहु और केतु जो है वो एक साइन में 18 महीने के लिए रहते हैं, तो अब जब ये ट्रांजिट होने वाला है तो नेक्स्ट 18 मंथ्स के लिए राहु मीनस राशि में ही रहेंगे और केतु कन्या राशि में। एक और प्रिंसिपल है मंतेश्वर का कि जो राहु और केतु होते हैं वो पूरे 30 डिग्रीज का जो साइन होता है पूरे साइन को इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिमिटेड डिग्रीज को इफेक्ट करेंगे, बट वो पूरे साइन को इफेक्ट करते हैं जिस भी साइन में प्लेस्ड होते हैं। अगर मैं अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो देखिए राहु जो है वो अपने से फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है, और जैसे कि आप जानते हैं राहु और केतु जो है इनकी मूवमेंट उल्टी होती है, तो राहु जो है वो अपने से ट्वेल्थ हाउस को भी इफेक्ट करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो राहु है वो अपना मुंह खोल के मूवमेंट कर रहा है, तो इस वजह से उसका मुंह जो है वो अपने से पीछे वाले साइन यानी कि जो राहु से ट्वेल्थ हाउस है उसको खाने वाला है, तो इसलिए वहां पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप इस गोचर को देख रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जहां पे राहु प्लेस्ड है उससे उस घर को उससे फिफ्थ उससे नाइन्थ और उससे ट्वेल्थ हाउस इन सब घरों को स्टडी करना है, वहां पे राहु का इफेक्ट आ सकता है। अब केतु की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं केतु की दृष्टि नहीं देता हूं, उसकी वजह यह है कि केतु जो है वो सिर्फ बॉडी है, उसका सर नहीं है, और जिसका सर नहीं है वो कैसे देख पाएगा, वो देख ही नहीं सकता, तो इसलिए उसकी दृष्टि नहीं होती है। एज पर भी मैं जानता हूं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो लेते हैं केतु की दृष्टि, और ठीक है वो उनकी प्रैक्टिस है वो ले सकते हैं, बट मैं नहीं लेता हूं, और मैंने अपने 26 इयर्स के एक्सपीरियंस में कभी केतु की दृष्टि नहीं ली है, और उसकी वजह से रिजल्ट्स में मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जब भी हम गोचर देख रहे हैं इस प्रकार से देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो इन चार घरों को इफेक्ट करेगा, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए गोचर में कि जब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं राहु का इफेक्ट, तो जिन चार घरों को वो इफेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई दशा में इवेंट दिख रहा है तो वो ट्रिगर होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। मैंने इनफैक्ट ये भी देखा है राहु अगर किसी के सेकेंड हाउस में प्लेस्ड होता है चार्ट में और लगन में आने वाला होता है तो वो शादी तक ट्रिगर कर देता है। तो इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव इवेंट्स भी, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स मिले। तो इस वजह से रीजन ये है कि मैं डिफरेंट लग्नास के लिए प्रेडिक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बट कि कैसा रहेगा, बट मैं जनरल जरूर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ किस लग्न या राशि के लिए वो प्लेस्ड होगा। तो देखिए अगर हम मेष राशि की बात करेंगे तो राहु जो है वो ट्वेल्थ हाउस में आ जाएगा, केतु जो है वो उनके लिए सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड होगा। तो अब इस जो हमने प्रिंसिपल की बात की थी उस हिसाब से केतु इनके लिए अच्छा हो गया, और राहु जो है 12वें होने की वजह से 12th हाउस को इफेक्ट कर रहा है तो खर्चे ट्रिगर कर सकता है। अब जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो खर्चे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो देखिए 12th में बैठ के राहु जो है 4th को भी एस्पेक्ट करेगा, उनके 4th हाउस को भी, तो 4th हाउस जो है वो घर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है ऐसे लोग घर की रेनोवेशन पे खर्चा करें। सो यू हैव टू सी कि जरूरी नहीं है नेगेटिविटी में ही खर्चा होगा, तो इसको देखने के लिए आपको दशा को स्टडी करना पड़ेगा। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब इसी प्रकार अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न के लिए राहु जो है वो 11th हाउस में जा रहा है, विच इज गुड फॉर राहु, और जो केतु है वो 5वें स्थान में जा रहा है, तो 5वां स्थान इतना अच्छा नहीं माना जाता केतु के लिए, तो यहाँ पे 11th जो है वो उपचय घर है, तो इसलिए राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे 11th में अच्छी बताई गई है, एंड दिस कैन बी गुड फॉर गेन्स स्पेकुलेशंस। इस तरह अगर हम देखेंगे तो आप इस तरह के रिजल्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बट अगेन यू नो इफ दशा इज नॉट सपोर्टिंग तो स्पेकुलेशन में नुकसान भी हो सकता है, तो वो चीजें हमें सब देखनी पड़ेंगी। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो उस केस में इट इज
इफेक्टिंग दी टेंथ हाउस, फोर्थ टेंथ एक्सिस जो है वो इफेक्ट होता है, बिकॉज नाउ इज कमिंग टू दी टेंथ हाउस एंड केतु इज कमिंग टू दी फोर्थ हाउस। अब देखिए दसवां स्थान जो है वो भी उपचय स्थान है, इसलिए राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव मानी गई है। लेकिन यस डेफिनेटली नो इट कैन गिव अ चेंज इन दी जॉब, बिकॉज राहु जो है वो हमेशा इफ्लेक्टिंग प्लैनेट है। हो सकता है आपको आपके प्रोफेशन में करियर में किसी प्रकार की पेन मिले जिस वजह से आप अपना करियर चेंज करें, तो उस तरह के रिजल्ट हम देख सकते हैं। बट अगेन आई रिपीट, दशा वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क लगन की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे केतु जो है वो थर्ड में जा रहा है विच इज गुड, एंड राहु इज गोइंग टू दी नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ में जनरली बोलते हैं फादर के लिए अच्छा नहीं होता, बट अगेन राहु नाइन्थ हाउस में जो है वो गंगा स्नान पिलग्रिमेजेस देता है। इनफैक्ट अगर मेरे को याद ठीक है तो ये जो प्रिंसिपल है गंगा स्नान का, ये उत्तर कलामृत जो टेक्स्ट है उसमें दिया हुआ है कि राहु नौवें घर में गंगा स्नान देता है। तो मतलब अगर आपके नाइन्थ में राहु आ रहा है तो प्लान पिलग्रिमेजेस, तीर्थ कीजिए, और उसकी वजह से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इनफैक्ट काफी पुण्य भी मिलेगा। अगर मैं सिंह राशि की बात करूं या सिंह लग्न की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे केतु जो है सेकंड हाउस में आ रहा है, राहु जो है वो एट्थ में आ रहा है। तो अगेन यू नो एट्थ राहु एंड सेकंड केतु इज नॉट वेरी गुड अगर हम देखेंगे तो, सो वी हैव टू सी यू नो हाउ दशाज आर, बिकॉज एट्थ का जो राहु है सेकंड का केतु है कैन गिव हेल्थ इश्यूज, चेंज ऑफ प्लेस भी दे सकता है। सो यू हैव टू सी यू नो आफ्टर सीइंग द दशा की आपकी कुंडली में किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कन्या की मैं बात करूं तो लग्न में केतु है, सप्तम में राहु है, सो इट कैन गिव ट्रबल्स इन मैरिज आल्सो एंड इट कैन क्रिएट मैरिज आल्सो, हमें देखना है। बिकॉज राहु जो है वो शादी का कारक है, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि राहु की अंतरदशा महादशा में प्रत्यंतर दशा में बहुत बार शादी होती है। मैं मानता हूं कारक लोग नहीं बोलते, कारक शुक्र को बोलते हैं, बट इन प्रैक्टिस हमने देखा है राहु ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ कारक फॉर मैरिज। अगर मैं तुला लग्न की बात करूं तो यहाँ पे केतु जो है वो ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है और राहु जो है वो सिक्स में जा रहा है। सी ट्वेल्थ का केतु जो है वो काफी अच्छा माना गया है, सिक्स का राहु भी अच्छा माना गया है। इनफैक्ट मैं इसको एक दिन बड़ी पोजीशन मानता हूँ, क्योंकि केतु जो है ट्वेल्थ में मोक्ष कारक है, एंड सिक्स ट्वेल्व कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड केतु कैन be very good for sadhana, तो इसलिए इसको अच्छा माना गया है, तो overall it is a good thing। अब अगर हम वृश्चिक की बात करें तो वहां पे if you see केतु is going to the 11th house, राहु is coming to the 5th house, so similar result है जो हम लोगों ने वृषभ लग्न के लिए बात की थी उस तरह के। अब अगर मैं धनु की बात करूंगा तो धनु में भी आपको अगेन 4-10 एक्सिस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु चौथे स्थान में आ रहा है, केतु जो है वो दसम में आ रहा है। सो वन शुड बी केयरफुल विद वन्स प्रोफेशन, फोर्थ हाउस घर का स्थान भी है, मदर का स्थान भी है, सो यू हैव टू सी द दशास किस तरह की दशास है और आप किस प्रकार के रिजल्ट्स देख सकते हैं उससे। अब अगर मैं मकर की बात करूंगा तो मकर के केस में राहु जो है वो थर्ड हाउस में जा रहा है और केतु जो है नाइन्थ में जा रहा है। थर्ड राहु इज गुड, नाइन्थ केतु इज नॉट गुड, सो आपको उस हिसाब से देखना है कि क्या दशा किस तरफ लेके जा रही है। आप कहेंगे कि मैं बार बार दशा बार रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह है, वजह यह है कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो जिन घरों को इंडिकेट करती है वहीं के आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। अगर मैं कुंभ लग्न की बात करूंगा तो कुंभ लग्न के केस में यू नो अगेन आपको वही 2 और 8 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बिकॉज राहु जो है वो सेकंड हाउस में जा रहा है, केतु इज गोइंग टू बी 8th हाउस। अगेन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल फॉर कुंभ लग्न की दशाज, हेल्थ रिलेटेड तो नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही आपको आपकी दशाओं में, क्योंकि देन राहु केतु कैन एक्चुअली ट्रिगर दीज थिंग्स। इसके बाद हम आते हैं मीन लग्न, मीन लग्न में तो राहु लग्न में है, केतु 7th में, अगेन 1-7 एक्सिस जो है शादी वाला वो एक्टिवेट हो रहा है, तो हमें देखना है कि क्या दशा है। सी तो
I'm just giving you some hints, some pointers कि किस प्रकार हम इस कोचों को देखते हैं. मैं मतलब ऐसा नहीं कहूंगा इसके लिए बहुत अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छा, बिकॉज वो चीजें जो है वो दशा के ऊपर डिपेंड करती हैं. बाकी राहु के जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टि है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स रिवील करती है, तो इसलिए उसको भी देखिए. एक बार और मैं यह बताना चाहूंगा, देखिए 30th अक्टूबर को जो ट्रांजिट है वो मीन राहु का है. ट्रू राहु का जो ट्रांजिट है वो आई थिंक 20th नवंबर के को होगा, जब एक्चुअल राहु मीन राशि में जाएगा. बट यस, फ्रॉम 30th अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू कैन एक्चुअली फील द रिजल्ट्स ऑफ राहु इन मीन. जो मीन राहु है जनरली हम मेदिनी ज्योतिष में यूज करते हैं, और बर्थ चार्ट्स में ट्रू राहु को ही हम देखते हैं. बट अगेन यू नो दिस इज कंट्रोवर्शियल, अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिफर फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग. तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन राहु ट्रांसिट. धन्यवाद.